नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के पुलिस लाइन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस अस्पताल खोला गया है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ पुलिस कर्मी ही अपना इलाज करा सकते हैं। ये अस्पताल अभी 2-3 दिनों पहले इसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर पुलिस कर्मी ही दिखा सकते हैं। वैसे तो अगर कोई भी पुलिस वालों को कोई भी दिक्कत होती थी तो वो जिला अस्पताल जाया करते थे, लेकिन ये अस्पताल यहाँ पर खुल गया है तो इन लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये अभी ही फ़िलहाल में ये नया बना हुआ है, पहले भी था लेकिन कई दिनों से बंद था, लेकिन फिर से ये बनकर तैयार हो गया है और पुलिस वालों के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनको अब कहीं नहीं जाना होगा और वो यहीं पर दिखवा सकते हैं ना यहाँ पर। लेकिन कोई आम आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये कब खुला है और यहाँ पर कौन कौन लोग इलाज करवा कर सकते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? हाँ, उमेश कुमार दीक्षित। किस पद पर है? आरक्षक हैं, DSB में पदस्थ हैं। ये अस्पताल कब खुला है और यहाँ पर कौन कौन इलाज करा सकता है? ये अस्पताल है तो बहुत पुराना, सन 1963 के आसपास का हॉस्पिटल है, पर अभी इसको KP फाउंडेशन नई दिल्ली वालों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। नई बिल्डिंग उन्हीं की उन्होंने बनवाई है और उसमें कुछ स्टाफ उनकी तरफ से रहता है और एक दो हमारे पुलिस बंधु भी रहते हैं, तो पाठक जी भी यहीं पे हैं और एक दो भाई लोग और हैं। हम लोगों को थोड़ा बहुत जो कोई समस्या होती है, जैसे आज हमें हल्का हल्का फीवर आ रहा था, आए थे यहाँ पे तो टैबलेट वगैरह ले ली है और बस। अभी जैसे बीच में ये बंद था तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही थी तो वो कहाँ जाते थे दिखवाने? जिला हॉस्पिटल जाते थे, जो यहाँ आ जाता था तो जो सुविधा यहाँ पे थी और जितना मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध रहता था वो यहाँ से प्राप्त हो जाता था। बकाया जिला जो यहाँ नहीं हो पाता था वो जिला हॉस्पिटल चला जाता था। क्या यहाँ पर आम आदमी भी इलाज करवा सकते हैं या फिर पुलिसकर्मी बस? अब इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है एक्चुअली कि आम आदमी आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर हम लोग तो आते हैं जी। तो आइए हम यहाँ पे अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं और कौन कौन से यहाँ पर वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंकल जी हैं, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वार्ड हैं और यहाँ पर कौन कौन लोग इलाज करवाने आते हैं। तो बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा सुनील कुमार पाठक नाम है। आप कौन हैं यहाँ के? और हम यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल हैं और हम भर्ती दिनांक से ही यहीं पे पदस्थ हैं और कम से कम 36 साल हमको यहाँ सेवाएं देते हो गया। और इसका भी क्या है कि इस कंपनी ने, जो दिल्ली वाली कंपनी है, तो इनने इनका जीर्णोद्धार किया है और ये खंडर हो गई थी, बिल्डिंग ख़राब हो गई थी, तो उनने कहा कि चलो भाई बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मजबूत है, इसका हम परिवर्तन करेंगे और अच्छा बना देंगे। तो उनने इसमें सारी चीज़ें जो पलंग वगैरह और जो जो बीमारी आ रही है इससे संबंधित उन्हें सभी मतलब सुख साधनाओं का की व्यवस्थाएं की हैं और दवाइयां भी बोल रहे थे वो कि हम दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगे। ये सिलेंडर भी उनने उपलब्ध कराए हैं कि जो भी सुविधा मरीजों के लिए है हम दे सकेंगे वो हम देते भी रहेंगे। और अन्य कोई एक आध कर्मचारी हम उसको उतनी वेतन तो नहीं दे पाएंगे, पर हम कुछ उनके उनके हिसाब से देते रहेंगे। कोई ऐसा कर्मचारी कर दो कि जिससे सुचारू रूप से व्यवस्था। अभी कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर या फिर कोई? डॉक्टर सतीश चौबे हैं यहाँ पे और एक और कांस्टेबल हैं धर्मेंद्र यादव करके हैं, वो उसके चार्ज में हैं और वैसे चार्ज में हमारे ही है, हम ही सबसे पुराने हैं और हमारी सेवाएँ काफ़ी समय से हैं और हम ही इसकी देख रेख करते हैं और टाइम से आते, टाइम से खोलते हैं, टाइम से बंद करते हैं। समय इसका 8:30 से 12:30 है और शाम के 4 से
पांच समय है तो समय से खोलते हैं। और अभी इस दरमियान भी जब जी इसका काम चलता रहा, इस टाइम पे हम दवाई यथावत देते रहे हैं, दूसरी जगह दवाइयाँ रखी हमने, और जो हमारे कर्मचारी पुलिस प्रशासन से आया करते थे उनको यथावत दवाई देते रहे, और जो हमारे उससे मतलब बीमारी कोई ऐसी है तो हम बड़े हॉस्पिटल और वहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब 14 नंबर पे, तो बता भी देते हैं कि कोई ऐसी परेशानी हो तो वहीं हम रेफर कर देते हैं, पर्चा भी बना देते हैं। अभी कल इसका उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ है अभी पाँच छः दिन मंगल को हुआ था, हाँ मंगल के दिन हुआ था। आइए आपको और दिखाते हैं अंदर कि यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं हैं, और ज़्यादातर अभी COVID-19 को लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी उपलब्ध है। आइए हम इनसे और जानते हैं कि यहाँ पर मतलब और भी जो अन्य मरीज रहते हैं आम आदमी, वो भी यहाँ पर दिखवाने आ सकते हैं या फिर सिर्फ पुलिसकर्मी ही यहाँ पर इलाज करा सकते हैं? फिर तो ऐसा है कि ये स्वास्थ्य विभाग है, अगर कोई किसी की समस्या ऐसी है और आम जन आ गया तो उसको भी दवाई दे देते हैं उस हिसाब से। वैसे तो ये अपने पुलिस पर्सन से ही है और पुलिस को ही दवाई देते हैं और अन्य के लिए तो नहीं है, और ना हमें बताया गया है कि अन्य किसी को दवाई दी जाए। वैसे हम पर्चा अपना जो OPD में नाम लिखते हैं वो हम अन्य आम जनता का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे कभी इमरजेंसी सड़क पर कोई हादसा हो, हाँ कोई अगर ऐसी बात है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा हादसा हो गया तो आ जाते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग वगैरह कर देते हैं और उनको दवाई वाई भी दे देते हैं। ऐसे तो भाई ये सार्वजनिक है, हैं हॉस्पिटल तो सार्वजनिक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आ गया तो उसको भगा दिया जाए, उसकी भी सेवा करते हैं और इस तरीके से जी अपना चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत ही अच्छी हैं। COVID-19 की जैसे तीसरी लहर आ रही है, गैस ऑक्सीजन गैस भी उपलब्ध है, और कहना है कि अगर कभी कोई भी गिरोह को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं, ये सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। हम आपको बाहर से पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है, और अभी फ़िलहाल में यहाँ पर कितने लोग इलाज करवा चुके हैं ये अभी पुलिस कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो पुलिस कर्मी अपनी सेवा के लिए लगे रहते हैं उनकी सेवा के लिए भी यहाँ पर उनके लिए अस्पताल बनवा दिया गया है, अब उनको कहीं नहीं जाना होगा। देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।